नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बीपीएससी यानी कि बिहार का लोक सेवा आयोग है, उसमें लगातार जो एक शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है उसमें ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। अब उसी के साथ साथ उन्होंने जो दूसरी शिक्षक भर्ती बीपीएससी 2.0 भी निकाल दी, उसमें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से ये जो 5 नवंबर 2023 को यहाँ पर इसका विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेगा इसकी रजिस्ट्रेशन होगा 5 नवंबर से शुरू हो गया, और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 14/11/2023, ठीक है। और फीस की भी लास्ट डेट है 14/11/2023, और जो फीस है 750 रुपये है जनरल ओबीसी अनरजिस्टर्ड वालों के लिए, एससी एसटी और हैंडीकैप के लिए 200 रुपये, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 200 रुपये है। तो ये इसकी फीस है। और इसमें देखो एप्लीकेशन बिगिन है, यहाँ पे दूसरी जगह दिया हुआ है 10/11/2023 को, और लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग है 25/11/2023, एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल जैसा पहले दिया हुआ। तो इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम देखें मिनिमम एज है 18 साल चाहिए प्राइमरी के टीचर के लिए, ठीक है, मिनिमम एज है, और 21 साल एज है टीजीटी पीजीटी के लिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स फॉर मेल एंड 40 ईयर्स फॉर फीमेल। तो यह है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मिडिल स्कूल है 6 से 8 तक, इसमें जो वैकेंसी आई है 31,982 वैकेंसी है, जिसमें आप बीएड वाले, डीएलएड वाले, बीएलएड वाले है ना, बीपीएड वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं ये इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो रखी गई है वो कैटेगरी ये है कि आपके पास जो सीटेट है, मतलब अगर आप 6 से 8 के स्कूल में मिडिल स्कूल में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर आपके पास सीटेट जूनियर लेवल का जो पेपर सेकंड होता है, सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। स्पेशली जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके उसमें 90 नंबर होने चाहिए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। और जो उनके राज्य वाले हैं उनका तो भाई है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं बिहार के उनका 90 नंबर चाहिए, और जो अदर कैटेगरी के हैं ओ बी सी एस सी एफ टी उनके 82 मार्क्स चाहिए। तो ये हो गई बात 6 से 8 तक। और इसके साथ साथ टी जी टी में भी वैकेंसी आई 9 से 10 के लिए, तो इसमें क्या योग्यता है कि आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, 50% आपके होने भी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास बी एड भी होनी चाहिए। और यहाँ पर सी टेट नहीं, जो बिहार सरकार का जो टेट होता है एस टेट, वो एलिजिबल होना चाहिए। और इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर सकते हैं 9 से 10 और 11 से 12 में, ये यहाँ पे साफ तौर से दिया हुआ है। और ऐसे ही देखो यहाँ पे स्पेशल जो टीचर हैं उनकी भी वैकेंसी आई है 9 से 10 में, 270 वैकेंसी दी हुई हैं। तो इनके लिए भी योग्यता वही है कि आपकी जो बीएड होनी चाहिए, और यहाँ पर भी आपका जो एस टेट है वो आपका पास होना चाहिए। इसके बाद पीजीटी की जो वैकेंसी है क्लास 11 और 12th में, ये वैकेंसी है 18,577, इसमें क्या है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, और इसके साथ साथ आपके बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, और एफटेट का जो सेकंड पेपर है वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अब लगातार जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर रहे हैं जो इसके योग्य हैं। और इसमें तो सबसे बड़ी जो बात है कि इसमें जो भी सी टेट बी टेट जो भी अपीयरिंग के छात्र हैं, चाहे बी एड अपीयरिंग वाले हों चाहे डी एल एड अपीयरिंग वाले हों, किसी को भी मौका नहीं दिया गया है। सीधा कहा गया है कि अगर आपके पास क्वालिफाइड हैं आप, तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हालांकि छात्र जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सी टेट के जो भी अपीयरिंग छात्र हैं उन्हें भी इस शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। तो आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।